हेलो दोस्तों, आज हम उषा की बिडिंग मशीन रिपेयर करने वाले हैं। इसमें जो है कपड़ा अटक अटक के चलता है आगे की तरफ। देखिए, आप मोटर से चला रहे हैं मशीन को आगे की तरफ, फिर भी कपड़ा जो है अटक अटक के चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कपड़ा आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। कपड़े को खींचने के बाद भी कपड़ा आगे की तरफ नहीं चल रहा है। मोटर से चलने के बाद में कपड़ा स्पीड में निकलना चाहिए। तो आओ देखते हैं मशीन में क्या हुआ है। सबसे पहले ये प्रेशर फूड को खोल लेंगे, उसके बाद में ये ऊपर की नीडल प्लेट जो है इसको खोल लेना है। नीडल प्लेट खोल कर देखते हैं कि दात्री, इसमें अक्सर दात्री के प्रॉब्लम की वजह से कपड़ा अटक अटक के चलता है और आगे की तरफ नहीं जाता है। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, दात्री की मोमेंट जो है वो बराबर हो रही है। आप देख सकते हो कि दात्री हिल रही है, मतलब इसका कि दात्री की रॉड बराबर है। अब हम खोल कर देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। ये पहले मोटर के बेल्ट को हमने निकाल दिया, अब मशीन को ऊपर रख कर उसकी प्लेट लगा कर देखते हैं कि दात्री बराबर प्लेट में ऊपर की तरफ आ रही है या नहीं। तो ये प्लेट हम दात्री पर लगा कर देखते हैं कि दात्री कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो दात्री दोस्तों ऊपर नहीं दिख रही है इसकी, ज़्यादा बहुत कम दात्री ऊपर आ रही है। इस वजह से जो है दात्री कपड़े को पीछे की तरफ नहीं फेंक रही है। तो दोस्तों इसकी चुम्टे की प्रॉब्लम है, तो चुम्टे की सेटिंग करना पड़ेगा। ये चुम्टा है दोस्तों, इसकी हमें सेटिंग करना पड़ेगा। ये बहुत से लोग दात्री में पैकिंग लगाकर भी दात्री को ऊपर कर देते हैं, तो उससे बेटर है कि सेटिंग करके करो। इसकी रॉड भी फ्री है, ये जो आप देख रहे हो रॉड इसकी फ्री है, तो रॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रॉड की वजह से मशीन की सिलाई कपड़े को आगे की तरफ फेंकता नहीं है, कपड़ा आगे की तरफ नहीं चलता है। दोस्तों मशीन को अच्छी तरह से साफ कर लो और फिर हम इस चुम्टे को सेट करेंगे। आप ये जो चुम्टा जो आपको दिख रहा है इसको हमने लूज़ कर लिया, तो दात्री को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जो है दात्री ऊपर नीचे हम कर रहे हैं इस तरह से, चुम्टे का स्क्रू लूज़ करने के बाद हमने दात्री ऊपर कर दिया है। प्लेट लगा कर हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि प्लेट किस तरह से ऊपर आ गई जब हम चुम्टे को ऊपर की तरफ करते हैं लूज़ करके स्क्रू को। दोस्तों इस तरह से ये दात्री ऊपर आ गई। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हो दात्री को। ये देख सकते हो आप कि इस तरह से दात्री ऊपर नीचे हो सकती है। जब प्लेट में ऊपर की तरफ दात्री को कर दो और फिर उस स्क्रू को टाइट कर दो जिसे हमने खोला था, तो देखिए दोस्तों अब इस दात्री को हमने फिट कर लिया है इस स्क्रू को। तो दोस्तों ये स्क्रू जो है ये फिट हो गया, और अब हम इसका प्रेशर फूड लगा कर देखेंगे। आप देख रहे हो कि दात्री ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से प्रेशर फूड जो है उसमें कपड़ा बराबर चलेगा।
दोस्तों धागा ऊपर निकालने के बाद हम आप बिडिंग करके देखते हैं कि इसमें कपड़ा अटक अटक के चल रहा है या फिर स्पीड में चल रहा है। तो दोस्तों हमने कपड़ा लगा दिया है और इसको हम हाथ से इस आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब हम इसको मोटर से चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, मोटर से चलाने के बाद ये कपड़ा किस तरह से स्पीड में चल रहा है आगे की तरफ। तो इस तरह से धात्री ऊपर लेने से कपड़ा पीछे की तरफ चलने लगता है बराबर से। आप देख रहे हैं कि बिडिंग भी बराबर गोल आ रही है इसमें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बिडिंग बराबर गोल आ रही है और कपड़ा भी स्पीड में आगे की तरफ चल रहा है। जो को लाइक करना है चैनल पर नया होता है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।